बचपन में पढ़ना चाहते थे पर पढ़ नहीं पाए। अब पढ़ना चाहते हैं? ज़रूर पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ना सीख सकते हैं। पढ़ें और जाने प्रवेशिका से आप आसानी से हिंदी पढ़ सकते हैं। आजकल खुद से पढ़ने के बहुत से साधन हैं। पढ़े और जाने प्रवेशिका भाग एक में 12 पाठ हैं। इन पाठों को हमने वीडियो लेसन में बना दिया है। हर पाठ में कुछ सार्थक शब्दों को चुना है जिनसे आप अक्षरों और मात्राओं की पहचान सीख सकते हैं। जैसे जैसे शब्दों का भंडार बढ़ता जाएगा आपको अनुच्छेद और कहानियाँ पढ़ने का मज़ा आएगा और नई जानकारी भी मिलेगी। हर पाठ में 4 भाग हैं। शुरू में चुने हुए शब्दों से जुड़े 3 चित्र हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं या खुद सोच सकते हैं। दूसरे भाग में कुछ नए अक्षर और मात्राएं सिखाई गई हैं जिनसे आप शब्द और वाक्य पढ़ सकते हैं। तीसरे भाग में अभ्यास है, जो कुछ सीखा है उसे पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। चौथे भाग में पाठ के चुने हुए विषय पर विचार करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 4 पाठों के बाद जांच पत्र है, इनसे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। पढ़ने और पढ़ाने वालों को नमस्ते, हेलो और मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद है जिस सफर पे आप चलने जा रहे हैं उसमें आपको पढ़ने और पढ़ाने का बहुत मज़ा आएगा। कुछ साल पहले तक ऐसे तरीके नहीं थे जिसमें पढ़ने वालों को, बड़ी उम्र के लोगों को, जल्दी से वो पढ़ना सीख जाएं। पूरी मात्राएं, पूरे अक्षर सीखे बिना पढ़ना लिखना मुश्किल था और ऐसा करने में बहुत समय लगता था। छोटे बच्चे तो स्कूल जाते उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों को बहुत झिझक थी। लेकिन कुछ सालों से ऐसे नए तरीके अपनाए गए हैं। हमारा भी एक ऐसा ही तरीका है जिसमें पूरे अक्षर और मात्राएं सीखे बिना भी बड़ी उम्र के लोग पढ़ और लिख सकते हैं। ये हमारी किताब पढ़ें और जाने भाग 1 और भाग 2 है। भाग 1 में हमने ऐसे ही 12 पाठ चुने हैं जिसमें शुरू से ही आप शब्द और वाक्य पढ़ना सीख जाएंगे। ये लेडी अर्बन कॉलेज की छात्राओं, टीचर्स ने बहुत लगन, मेहनत और शोध के बाद बनाया है। हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णमाला की पहचान जरूरी है। आवाज या ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण या अक्षर 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में 13 स्वर और 36 व्यंजन हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं। अक्षर के साथ मात्रा लगाने से उसकी आवाज या ध्वनि बदल जाती है। अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। पूरी वर्णमाला सीखने में काफी वक्त लग जाता है। हमारी किताब में जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं पूरी वर्णमाला सीखने की जरूरत नहीं होती। शुरू में ही आप धीरे धीरे जैसे जैसे शब्द पढ़ते हैं, अक्षर और मात्राओं की पहचान से आप कहानियां और वाक्य पढ़ने लग जाते हैं।